हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIIBA के लेटेस्ट लेटर के बारे में। जानेंगे RRBs का भविष्य क्या है, RRBs के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, AIIBA ने एक लेटर लिखा है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, आज उसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर AIIBA का लेटेस्ट लेटर है। दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, ठीक है, 24/5/2021 को, यानी लेटेस्ट लेटर है। इसमें देखिए क्या है, इसका पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्रपोज्ड रिस्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक, नीड टू कंसीडर एंड मर्ज RRBs विद स्पॉन्सर बैंक। दोस्तों, AIIBA ने कहा है कि जैसे आप सबको पता है 1975 में RRBs को स्टेब्लिश किया गया था, 196 RRBs थे, जो अब की मर्ज होकर 43 RRBs केवल बचे हैं। अभी RRBs आपस में RRBs का मर्जर चल रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों RRBs की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, तो आपने कभी सोचा है? तो इसके पीछे बस एक रीज़न है, प्रॉफिट। गवर्नमेंट चाहती है RRBs प्रॉफिट दें। और आप ये बताइए, RRBs जब सोशल बैंकिंग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे दें? तो इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि RRBs का क्या होगा, RRBs को रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा। जैसे कि अभी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लेटर में कहा गया है कि RRBs को जो सेकंड टाइप के अलाउंसेस है तभी देंगे जब RRBs का रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। नेशनलाइज बैंक में कुछ अलाउंसेस ज़्यादा हैं, वो क्यों? क्योंकि उनमें कोई रिस्ट्रक्चरिंग का सीन नहीं था, RRBs में रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, तो RRBs में जो नए अलाउंसेज हैं वो तभी दिए जाएंगे जब रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। तो अब रिस्ट्रक्चरिंग में होना क्या है, जो AIIBA ने सजेस्ट किया है, AIIBA कहता है क्यों ना RRBs को नेशनलाइज बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, जो छोटे 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 बैंक हैं वो एक बड़ा बैंक बन जाएगा। इससे नेशनलाइज बैंक को भी फ़ायदा होगा, बहुत सारा उनको डिपॉजिट मिलेगा, एडवांस मिलेगा। और RRBs का फ़ायदा ये होगा कि RRBs जो अभी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि वो होंगे नहीं होंगे, वो एक बड़े बैंक में जाके मर्ज हो जाएंगे। अभी बातें चल रही हैं कि स्टेट RRBs बना दें, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इन्हें नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, रीजनल RRBs बना दें, जोनल RRBs, मतलब एक तरह के जितने लैंग्वेज वाले RRBs हैं वो एक तरफ, मतलब भाषा के आधार पर कि जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो एक तरफ, तमिल स्पीकिंग एक तरफ, तो इस तरह से। तो अभी इसके लिए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है और इस पर काम चल रहा है, ठीक है। एक RTI में भी ये पता चला है कि अभी इसके लिए कमेटी बनी है, और इसके लिए अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ RRBs में रिस्ट्रक्चरिंग में होना क्या है, मतलब अभी किसी को पता नहीं है। आप अगर ये सोचें कि कोई आपको ये बता दे कि RRBs में होना क्या है, तो कोई आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें जो हो सकती हैं, या तो ये नेशनलाइज हो जाएंगे, नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज हो जाएंगे, या तो स्टेट RRBs बन जाएंगे, जो कि सबसे आसान तरीका मुझे लग रहा है स्टेट RRBs बनाना। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे स्टेट में वन स्टेट वन RRB है, बट वो भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मुश्किल है कि स्टेट RRBs की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। हो सकता है कि नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, जो कि इस लेटर में AIIBA ने कहा भी है। AIIBA एक यूनियन है बैंकर्स का, तो इस बारे में अभी तक जो RRBs के एम्प्लॉय हैं उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो RRBs के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अभी अलाउंसेस तो मिल नहीं रहे हैं बहुत सारे, वो तभी मिलेंगे जब रिस्ट्रक्चरिंग होगी, और रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा जिम्मा गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है, सारा काम चल रहा है, हो सकता है कि इसी महीने या एक दो महीने में आ जाए, क्योंकि इस साल रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। और इससे पहले तो सर्कुलर ये आया था AIIBA का, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि जो एरियर पेमेंट है RRBs में तब किया जाएगा जब रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। लेकिन फिर जब RRBs के यूनियन ने विरोध किया तो एरियर पेमेंट RRBs करने लगे, बट अलाउंसेज अभी RRBs नहीं दे रहे हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग इस साल होना तय, मान लीजिए RRBs का भविष्य इस साल गवर्नमेंट तय करेगी कि इन्हें क्या करना है। इनका हो सकता है नेशनलाइज कर दें, स्टेट RRBs बना लें, जोनल RRBs बना लें, पर प्राइवेट नहीं होंगे। एक ऑप्शन ये भी है कि इसको एक होल्डिंग कंपनी बना के, लाइक LIC एक कंपनी बना देंगे, और फिर इसके जो शेयर्स होंगे इनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। बट ये RRBs के लिए मुझे अभी लगता नहीं है, क्योंकि RRBs जो छोटे छोटे बैंक हैं, एक तो आप खुद से समझिए RRBs प्रॉफिट दे कहाँ से, काम करते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए गरीबों की सेवा कर रहे हैं RRBs, ठीक है, छोटे छोटे एडवांस करते हैं, फार्मर्स के एडवांस करते हैं, तो इतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं छोटे एडवांसेस से, तो कहाँ से प्रॉफिट दें, ठीक है। तो बट गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉफिट, इसलिए गवर्नमेंट करेगी रिस्ट्रक्चरिंग। तो देखते हैं आगे RRBs का भविष्य क्या होगा। जो भी RRBs का भविष्य होगा, जो भी कोई नया लेटर आएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।